नमस्कार, द रूस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु में एक ज़िला है जिसका नाम है विरुधुनगर। विरुधुनगर में एक जगह है जिसका नाम है सातूर। सातूर से एक कहानी आती है जहां पर 24 साल की एक महिला जो 3 दिसंबर 2018 को अस्पताल जाती है, प्रेग्नेंट है, नौवा उनका महीना चल रहा है। जब वो जाती हैं तो अस्पताल के डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि आपके शरीर में जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसके चलते आपको हीमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ेगा, यानी खून चढ़ाना पड़ेगा। उनके शरीर में खून भी चढ़ाया जाता है। अगले दिन से उनके शरीर में कुछ कमियां नज़र आती हैं। उनके शरीर का जो फंक्शनैलिटी था, जिस तरह से वो चलता था, वो नहीं चल रहा था। उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होनी शुरू होती है। उसके चलते वो दोबारा से जब अस्पताल जाती हैं, उनका दोबारा से खून टेस्ट किया जाता है। 3 तारीख से पहले जो उनका खून टेस्ट किया गया, उसमें वो HIV पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन 3 तारीख के बाद जब उनका खून चढ़ाया गया, उसके बाद जब वो तीसरे चौथे दिन अपने दोबारा से चेकअप के लिए गईं, तो उनको ये समझ में आता है कि वो HIV पॉजिटिव हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जिनका नाम है नूरी, जो कई सालों से इसी HIV पॉजिटिव से जूझ रही हैं। इन्होंने ताकत दिखाई और आज ये तकरीबन 30 साल से भी ज़्यादा इस बीमारी के साथ जी रही हैं। ना केवल ये खुद जी रही हैं, बल्कि 50 से भी ज़्यादा बच्चों को इन्होंने एक तरह से पनाह दी है। एक हाउस है जहाँ पे छोटे छोटे वो बच्चे हैं जो HIV से पॉजिटिव हैं। मेरे ख़्याल से इनसे बेहतर, क्योंकि खुद भी HIV से पीड़ित हैं, इनसे बेहतर हमारे सवालों का जवाब और कोई नहीं दे सकता है। नमस्ते मैम। नमस्ते भाई। जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि आप 50 से भी ज़्यादा बच्चों को एक घर मुहैया कराती हैं, जहाँ पे वो तमाम वो बच्चे हैं जो HIV से पीड़ित हैं। हम तो ये 3 बच्चे का लिया तो होम चालू करा है, कम से कम 18-20 साल से चालू करें। वो बच्चे लोग तो 94 से ले 2004 के पहले में पैदा हुआ बच्चे लोग, उनको तो HIV पॉजिटिव चिल्ड्रंस रहने से भी वो अभी देखने के लिए HIV पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा। वो बच्चे तो तंदुरुस्ती से बहुत ज़बरदस्ती है, तो वो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे है। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है, जो ये महिला हैं जिनकी उम्र सिर्फ 24 साल है, प्रेग्नेंट हैं, इनको एक ऐसे शख्स का खून चढ़ा दिया गया जो पहले से HIV था, तो क्या ये सरकार की गलती नहीं है या फिर उस विभाग की गलती नहीं है जिसने उस खून को जांचा ही नहीं और उसको चढ़ा दिया? और जब उस महिला को वो HIV हो गया है, तो क्या उस बच्चे को भी HIV होगा? अभी अभी हिंदुस्तान में बोल रही है, अभी तो 0% बच्चे लोग पैदा छे कभी HIV पॉजिटिव अभी नहीं पैदा हो रही है। कम से कम 10-15 साल से ये सवाल है सरकार का। अब मैं भी जानती हूँ उसके बीच में कैसे, तो अभी एक महिला को डिलीवरी हो रहा, डिलीवरी के पहले महिला को क्या दे, नेवरेपिन टैबलेट देंगे। बच्चे का तो जन्म होने के बाद में उसमें नेवरेपिन ड्राप देंगे, देने से वो बच्चे को तो वो इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। वो तो दुनिया में तो HIV नहीं सर की दुनिया देख रही है बच्चे लोग। तो आपका ये कहना है अगर माँ को HIV है तो उसको, उनके होने वाले बच्चे को HIV नहीं होगा? ज़रूरी नहीं हो सकता है। अच्छा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता? होएगा नहीं। ठीक है, तो आप यकीन 90% नहीं होएगा, 99% नहीं होगा। ठीक है, अब जो ये महिला हैं जिनको हो चुका है, क्या इनके इनके लिए कोई इलाज है? अभी तो हिंदुस्तान में बहुत इलाज है, ERT सेंटर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में। खान देखने से भी ERT फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, सेकेंड लाइन ड्रग्स है, थर्ड लाइन ड्रग्स है। HIV बिल्कुल सीधा ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो तंदुरुस्ती से रह सकते, वो तो CD4 काउंट ज़्यादा हो सकता है, वायरल लोड कम हो सकता है। तो HIV अगर किसी इंसान को होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जान चली जाएगी, उनको तंदुरुस्ती से रह सकते हैं वो लोग, दवा दारू कर सकते हैं। HIV समाप्त नहीं होगा, लेकिन HIV के साथ भी आप जी सकते हैं, ये आप कहना चाह रही हैं? पहला तो दवाई, उसके बाद हर हमारी फैमिली में तो प्यार ज़्यादा चाहना है उनको, तो उनका तो देखाभाल ही ज़्यादा रहना है, उसको केयर देना है, केयर देने से वो तो बहुत सालों से जी सकता है। तो जैसे आप भी HIV से पीड़ित हैं और आप उन तमाम 50 बच्चों के लिए काम करती आ रही हैं जो खुद भी HIV से, तो जो समाज है ना, तो समाज जब
अगर आपने नहीं बताया कि आपका एचआईवी नहीं है, किसी को नहीं पता पड़ेगा, लेकिन जो आसपास के जो करीबी लोग होते हैं, आपका परिवार है, उनका आपकी तरफ जो देखने का तरीका होता है, नज़रिया होता है, वो कैसा होता है? पहले देखो, मैं तो 1987 से एचआईवी पॉजिटिव, कम से कम 31 साल से एचआईवी साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी तंदुरुस्ती से मेरा CD4 है 1580 है, वायरल लोड बिलो 20 है। क्या सबको मैं रोल मॉडल हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ, किसलिए मेरे को देख के बहुत लोग तो ज़िंदगी में बहुत उजगेरे में आ रहे हैं, इसमें मेरे को बहुत खुशी हो रहा। ऐसा हर इंसान रह सकता है। एचआईवी तो एक खतरने की बीमारी नहीं, एक दिन में तो खतरने की बीमारी, तो अभी खतरने की बीमारी नहीं तो बिंदास रह सकते। तो आपका ये कहना है कि आप 31 साल से एचआईवी पीड़ित हैं और ये एक ख़तरनाक बीमारी नहीं है, जानलेवा बीमारी नहीं है, अगर आप सही तरह से दवा दारू करें और सही अगर इलाज आपको मिले तो आपकी तरह लोग और जी सकते हैं। यानी ये जो महिला हैं जिनकी उम्र 24 साल है, ये भी आने वाले ज़माने को अच्छे से देख सकती हैं और खूब अच्छे से तंदुरुस्ती से रह सकती हैं। मेरा एक और सवाल ये है, आखिरी सवाल है, जो इनके पति हैं, इनका एक सवाल था गवर्नमेंट को कि मेरे को ना नौकरी चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए। वो तमाम वो जो लोग हैं जो अस्पताल में काम कर रहे थे, जो ये पूरा प्रशासन है जिसने इतनी बड़ी गलती करी कि एक एक उनकी कोई गलती ही नहीं थी और उनको एचआईवी खून चढ़ा दिया गया, अब आपके हिसाब से उन लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? कोई गलत किया, पहला तो लैब टेक्निकल पहला वो तो खून तबास करा नहीं है, उसके ऊपर बहुत गलत है। ब्लड इसको चालू करने के पहला एक ड्रॉप ब्लड लेके एक विंडो पीरियड देख सकता है, देख कर टेस्ट कर सकता है, टेस्ट करके उसमें एचआईवी पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव से हम तो उसके बाद तो खून चढ़ा सकता है। ये पहला करा नहीं है, उसके ऊपर गलत है। ये आरम दिन उसके ऊपर तो ध्यान लगाना है। हर ब्लड बैंक में रहता है ब्लड, कम से कम 2 महीने के एक बार, 1 महीने के एक बार वो तो टेस्ट करना है। टेस्ट करते एलिसिया टेस्ट करने से बिल्कुल, अभी तो स्किट आया है, बहुत कम चार्ज है उसका, 50-100 रुपये में तो ख़त्म होता है एलिसिया टेस्ट। एक ब्लड लेके तो टेस्ट करता अच्छा रहने से खून ब्लड बैंक में रख सकते, नहीं तो बेकार फेंक दो। ऐसे इनके ऊपर भी गलत है, इनको सरकार के ऊपर क्या सबूत कर रहा है, उसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है मेरे को नहीं पता है, सरकार के पास है। क्या इन लोगों को अपनी नौकरी पर रहने का हक है? नौकरी के ऊपर तो रहने का हक नहीं, ऐसे तो कमज़ोर आएगी, वो उनके ध्यान कमज़ोर आएगी से काम कर रहा है, तो उनको नौकरी पे नहीं रखना है। एक को ऐसा करने से पूरे दुनिया जानती है उसके ऊपर। देखिए, नूरी जी का ये साफ कहना है, जो लैब टेक्नीशियन है वहाँ पे जिसने खून निकाला, खून कई जगहों पे दिया जाता है, ब्लड बैंक में दिया जाता है, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं वहाँ पे दिया जाता है, उसके बाद वो खून ब्लड बैंक में जाता है, ब्लड बैंक में जाने के बाद उसकी सही तरह से जाँच होनी चाहिए थी, सही तरह से ये देखना चाहिए था कि वो खून में एचआईवी है या फिर नहीं है। कई ऐसे केसेस आते हैं कि आपने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, 10 दिन पहले बनाए और आपने जाके खून दे दिया, लेकिन जो ये बैक्टीरिया है, जो ये संक्रमण है, इसको बाहर आते आते 3 महीने से भी ज़्यादा समय लग जाता है, यानी 90 दिन के बाद आपको ये पता पड़ता है कि आपको एचआईवी है या फिर नहीं है। ऐसे सिचुएशन पे अगर किसी इंसान ने खून दे दिया और उसको खुद नहीं पता कि उसका एचआईवी है, ये अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है, उस लैब टेक्नीशियन की जिम्मेदारी बनती है, उस आरएम की जिम्मेदारी बनती है, उस डीन की जिम्मेदारी बनती है जो उस अस्पताल को चला रहे हैं, जो उनके ब्लड बैंक में खून रखा गया है क्या वो सुरक्षित है या फिर नहीं है। नूरी जी ने कहा हर 2 महीने में उन तमाम खून की जांच होनी ज़रूरी है जो उनके ब्लड बैंक में रखा गया है, ताकि ये प्रमाणित किया जाए जो भी खून एक मरीज़ को चढ़ाया जा रहा है उसमें किसी भी तरह का संक्रमण नहीं है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, पल पल आपको इस खबर की पूरी जानकारी हम देते रहेंगे। आखिर में ख़त्म करने से पहले आपको मैं ये भी बताता हूँ, जिस शख्स ने खून दिया, ये बात समझ में आ रही है कि उसने आत्महत्या की कोशिश करी है, वो भी एक ज़िला अस्पताल में अभी अपना इलाज करवा रहा है। जब उसको ये लगा कि मेरी जो सीक्रेसी है कि मुझे एचआईवी है, जब उसको ये बात पता पड़ी,
समाज में उसको ये लगा कि शायद समाज मुझे बेदखल कर देगा, तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी है, जिसका खून इस महिला को चढ़ाया गया है। देखिए, एक साइकोलॉजिकल इशू भी है कि जो आपका परिवार है उसको आपके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। एचआईवी छूने से नहीं फैलता है, एचआईवी के जो रोगी हैं उनके साथ रहने से ये नहीं फैलता है। आप उनके साथ रहें, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, आप उनके साथ घूम फिर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। जो परिवार है उस परिवार को उस एचआईवी पीड़ित इंसान के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे किसी अन्य इंसान के साथ आप व्यवहार करते हैं। इससे एचआईवी पीड़ित लोगों के मनोचिकित्सा, जो एक उनका मन है, वो ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। वो लोग अपने आप को ज़्यादा सही महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी जो भी गलती थी या फिर नहीं थी वो उनको खुद नहीं पता। ठीक है, तो अंत में दोबारा से जो सरकारी जो महकमा है उससे यही गुजारिश है, उन लोगों को नौकरी से हटाया जाए। जो परिवार है उस महिला का, उनसे भी एक दरख्वास्त है, इस महिला को एक आम महिला की तरह देखें, उसको सही तरह का ट्रीटमेंट दें, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करें, उसको आपकी ज़रूरत है। ये जीवन का अंत नहीं है। नूरी जी 31 साल जी हैं, आपकी भी बीवी जो है, आपकी वो महिला जो है, वो भी 31 साल से ज़्यादा जिएंगी, क्या पता वो अपनी पूरी जीवन जिए। आपका प्यार उसको अभी चाहिए, आप उसको वो प्यार दें। और जो भी आसपास उस महिला को जानते हैं, वो तमाम लोग इस चीज़ को समझें, एचआईवी जो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है। बने रहे हमारे साथ रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधी आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। नमस्कार।